माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, मैं तमाम प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए आप तक कह रहा हूँ, ये जो संस्थाएं हैं ना, चाहे ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, उनके बारे में आप मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, पूरा देश कह रहा। आज ईडी तथा कथित सर्च ऑपरेशन में एक बंद केस को खुलवा कर हमारे डिप्टी सीएम और उनकी बहनों के घर में पहुंचा। ये भी हो सकता है कि करोड़ रुपया सीबीआई को लोग ले जाएंगे, कहेंगे यही हमको मिला है, आज तक तो ढेला पत्थर के सिवा कुछ न मिला है। लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी की टीम ने शुक्रवार को बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की इस छापेमारी में बड़ी मात्रा में कैश, सोने और आभूषणों की बरामदगी हुई है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के परिवार, रिश्तेदार और राजद नेताओं के परिसरों पर बिहार के पटना और फुलवारी शरीफ सहित दिल्ली एनसीआर, रांची और मुंबई जैसे स्थानों पर यह छापेमारी की गई है। खबर के मुताबिक छापेमारी के दौरान 53 लाख रुपए कैश, 1900 अमेरिकी डॉलर, 540 ग्राम सोना और 1.5 किलोग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं। छापेमारी की इस पूरी कार्रवाई के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वहां मौजूद रहे। वहीं 11 मार्च को सीबीआई ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए भी बुलाया है। आपको बता दें कि जहां छापेमारी हुई वहां राजद सुप्रीमो की बेटी रागिनी यादव, चंदा यादव और हेमा यादव के साथ राजद के पूर्व विधायक सैयद अबू दोजाना, अमित कत्याल, नवदीप सरदाना और प्रवीण जैन रहते हैं। प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई के बाद लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला गया है। हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है, हमने वह लड़ाई भी लड़ी थी आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में। आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्र वधु को भाजपा ईडी ने 15 घंटों से बैठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? अपने एक और ट्वीट में लालू यादव कहते हैं, संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी, इनके समक्ष मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके हैं और मेरे परिवार एवं पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम का यह केस 14 साल पुराना है, तब लालू यादव रेल मंत्री थे। दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन लिखवा ली थी। बता दें कि लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। सीबीआई ने इस मामले में 18 मई को केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया। दोस्तों, सीबीआई और ईडी की इस कार्रवाई पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।